दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा हमने बाहर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो थोड़ी आवाज़ आएगी, बट आपको सुनाई पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना? तो थोड़ी आवाज़ आएगी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकती है आपको, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये चल रहा था, प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर निशान वाली स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मतदान में आप जाते हैं तो आपकी उंगली में एक बहुत ही गाढ़ी स्याही लगाई जाती है, जल्दी छूटती नहीं है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, डी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इसको लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग मतदाताओं की अंगुली पर निशान वाली स्याही बनाने या खिजाब बनाने, इसके अलावा इसका प्रयोग दोस्तों चांदी चढ़ाने में भी किया जाता है। किसी धातु पर चांदी जो चढ़ाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी होता है। इसके अलावा जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका बी ऑप्शन है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। फिर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सी वाला भी। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो चारों के बारे में आप जानते रहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, डी इसका उत्तर होगा। अगला, मनुष्य शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप अक्सर सुनते होंगे, डायलिसिस, डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे है, तो वो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही होती है डायलिसिस में। ए इसका उत्तर होगा, मनुष्य शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रक्त वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रक्त से फास्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करता है, और रक्त के परासरणी दाब ओपी जो है एवं उसकी मात्रा को नियमित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है? अगला, तो इसका उत्तर ये होगा, नैवीर्य पीन क्या है दोस्तों? अक्सर चर्चा में रहता है नैवीर्य पीन, तो इसका उत्तर, सही उत्तर है, एड्स ग्रस्त माताओं के गर्भस्थ शिशुओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाने की एक दवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नेवीरेपिन एचआईवी पॉजिटिव जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके बच्चों को सुरक्षित रखने की दवा है। यह खुराक देने से संक्रमण के खतरों को 47, देखिए 100% तक नहीं, लेकिन 47% तक कम किया जा सकता है। एचआईवी में प्रयुक्त होने वाली दवाएं भी आप याद कीजिए, पूछता है, सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, अल्फा इंटरफेरान, रिबा बायरिन, ये सभी एड्स में, एचआईवी में प्रयुक्त होने वाली दवाएं हैं। वहीं मलेरिया से संबंधित जो उपचार के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसमें क्लोरोक्वीन, कुनैन, प्रीमाक्वीन, पेलुड्रीन, ये सभी मलेरिया की दवाएं हैं। और जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवाएं अगर बात की जाए तो उसमें जेई वैक्सीन का प्रयोग होता है, उसके बचाव हेतु जेई वैक्सीन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, एक जो भूस्थिर उपग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका परिक्रमण काल दोस्तों 24 घंटे होता है। भूस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह भी इसको कहते हैं। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसके बराबर, अर्थात 24 घंटे के तुल्य होता है, इसीलिए स्थिर दिखाई पड़ता है। भूस्थायी उपग्रह का प्रयोग दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके, दूरदर्शन कार्यक्रमों को टीवी सेट पर दिखाने में, या फिर मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में, या रेडियो प्रसार एवं दूरसंचार के लिए होता है। इसके अलावा भूस्थायी उपग्रह की जो प्रमुख विशेषता है कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में तथा पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से मिलाना है। ये विटामिन्स हैं और इनका जो है नाम, देखिए विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल उनके नाम दे दिए जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रही है, तो आप विटामिन के नाम रट डालिए। देखिए गलती से, यहाँ ये विटामिन 6 है और विटामिन 3 है ये, ठीक है ना? तो विटामिन B6 को पायरेडेक्सिन कहते हैं, विटामिन ई को टोकेफेरॉल,
विटामिन के को फिलोक्यूनान और विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B3 को कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। प्रोटीन संश्लेषण में देखिए विटामिन का नाम हमने ग्रुप में दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण की जब बात होगी तो राइबोसोम उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो राइबोसोम आप कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका, इन दोनों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं कोशिकांग के, राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर स्थित होते हैं। राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। लाइसोसोम के बारे में जो क्वेश्चन बनता है कि आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं, और माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। गाल्जीकाय का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों विभिन्न एंजाइमों का श्रावण करना, इसमें से विभिन्न एंजाइम निकलते हैं गाल्जीकाय से, और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहयोग करना होता है। तो इसका जो उत्तर है बी, अंतःप्रद्रवी जालिका एवं राइबोसोम। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है अवतल दर्पण प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसके अलावा याद रखिएगा, सोलर कुकर के अलावा गाड़ी के हेडलाइट में जो हेडलाइट होता है, सर्च लाइट जो आप देखते हैं अक्सर रातों में, इसके अलावा आँख नाक कान के डॉक्टर द्वारा जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो अवतल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण की बात की जाए दोस्तों तो उसका उपयोग मोटर गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए अर्थात साइड में जो मिरर लगा रहता है तो उस दर्पण को बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सड़क पर जो परावर्तक लैंप बनाए जाते हैं उनमें उनको बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जो दुश्मन होते हैं उनकी गतिविधियों को देखने, और पनडुब्बी जहाज़ों आदि में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा। ये सभी बातें आप याद रख लीजिए, नहीं तो ग्रुप में तो हम दे ही देंगे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? ठीक दुगना हो जाता है दोस्तों। जिस गति से आप आ रहे होते हैं दर्पण में, जो समतल दर्पण होता है उसमें ठीक दुगनी गति हो जाती है। तो इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड है तो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। डी इसका उत्तर है। ये याद रखिएगा, टेक्निकल सवाल है। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? जल के अंदर जो हवा का बुलबुला आता है वो किस तरह व्यवहार करता है दोस्तों? तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन दिखाई कैसे पड़ता है? यह उत्तल लेंस की भांति दिखाई पड़ता है, लेकिन यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। यह याद रखिएगा, साबुन का जो हवा का बुलबुला है वह दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस की तरह जल के अंदर, लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। बस इतना ही जानिए, भीतर का जानने की आवश्यकता नहीं। बी इसका उत्तर है। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से मिलान करना है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, तो ये सभी स्थियां हैं, अस्थियां हैं, और ये इनके नाम हैं। आपको सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित है। तो जो ब्रेस्ट बोन है दोस्तों इसको याद रखेगा स्टर्नम नाम से पुकारते हैं, स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। फिर कॉलर बोन जो आपका है दोस्तों, कॉलर के पास जो होता है कॉलर बोन, इसको क्लेविकल कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। नी कैप जो है दोस्तों, नी कैप, इसको पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। और शोल्डर ब्लेड जो होता है इसको क्या कहते हैं? बचा हुआ स्केपुला। शोल्डर ब्लेड, स्केपुला। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो गया 4-1,
दो तीन, ठीक है, 4-1-2-3 सी इसका उत्तर हो जाएगा। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? आप सुनते होंगे अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो वो क्या है कोलेस्ट्रॉल, क्या करता है, जो आपकी जो नसें होती है जिसमें खून प्रवाहित, रक्त प्रवाहित होता है, उसको ये जाम कर देता है, जिसके कारण अचानक जो है हृदय में जो रक्त का पहुंच होता है वो बाधित हो जाता है और हृदयाघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इसका उत्तर होगा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता कारण हृदयाघात होता है। यह दो प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा एक बुरा, अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की विशेषता होती है कि वह कमरे के सामान्य ताप पर जमता नहीं है, बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल वह क्या होता है, कमरे के सामान्य ताप पर भी जम जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के जमाव से कोरोनरी जो धमनी है धीरे धीरे पतली होती जाती है, कि उसमें जमता जाता है, रास्ता पतला होता जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय की धमनियों में रक्त जमाव के कारण यह एकाएक बंद या अवरुद्ध हो जाता है, इससे तीव्र पीड़ा होती है और परिसंचरण जो होता है वो बाधित होने से हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें तत्काल उपचार हेतु एस्पिरिन या डिस्पिरिन दिया, याद रखिएगा, तत्काल उपचार हेतु एस्पिरिन या डिस्पिरिन दिया जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने न पाए, थोड़ी मेहनत करिए। जब मेहनत करेंगे आप, एक्सरसाइज करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जम नहीं पाएगा, पसीने के माध्यम से वो बाहर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड का उपयोग सिंदूर औषधि बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मर्क्यूरी क्लोराइड, क्लोराइड सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में काम आता है, यह भी बिल्कुल सही है, नोट डाउन करते रहिएगा। पारा को कोरोसिव सप्लीमेंट नाम से भी जाना जाता है, यह गलत है, कोरोसिव सप्लीमेंट के नाम से पारे को नहीं जाना जाता है, बल्कि जो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है उसको कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड को कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं, न कि पारे को। अगला है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प एवं आर्गन गैस भरी जाती है, पूछा भी जाता है, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल सही है। तो इसका सी उत्तर जो है वह गलत होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं, पारे को नहीं। वहीं मर्क्यूरिक जो सल्फाइड है दोस्तों, उसको वर्मीलियन भी कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है सिंदूर औषधियों में मकर ध्वज के रूप में तथा जलरंग निर्माण में होता है। पारे की जहाँ तक बात है, सफ़ेद एवं चमकीली धातु है, आप अक्सर डॉक्टर्स के पास देखते होंगे, थर्मामीटर में देखते हैं पारे का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रतीक HG, इसको HG के रूप में देखा जाता है। इसकी परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक है 80 है। पारा का मुख्य अयस्क जो है सीने बार है, जो मुख्यतः USA, मैक्सिको तथा इटली में पाया जाता है। तो पारे का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है, सीने बार, सीने बार ज़्यादातर USA, अमेरिका, मैक्सिको और इटली आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग TB मानव शरीर के किस भाग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो रोग और किस भाग को प्रभावित करता है ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कौन कौन से रोग किस किस भाग को प्रभावित करते हैं, अक्सर प्रश्न आता है PCS में। फिलहाल जो क्षय रोग है दोस्तों, यह फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। क्षय रोग एक बैक्टीरिया से, जीवाणु से फैलने वाला रोग है, माइको बैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस उस जीवाणु का नाम है। यह बीमारी सर्वाधिक फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, किंतु इसका दुष्प्रभाव फेफड़े के अलावा स्पाइन, ब्रेन, एब्डोमन आदि अंगों पर भी पड़ता है, लेकिन मुख्यतः फेफड़े पर पड़ता है। BCG जो है वह टीका है, एक प्रकार का anti-TB क्षय रोग के खिलाफ एक टीका है BCG का, तथा विलीसिन इस रोग की नवीनतम दवा है, हालांकि और भी दवाएं आ गई हैं, अपडेट कर लेंगे। इस रोग के उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इस रोग के उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा DDT भी एक प्रक्रिया है इसके उपचार की। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आर्गेनिक अम्ल है, अंगूर में जो पाया जाता है कौन सा आर्गेनिक अम्ल पाया जाता है, तो
टार्टरिक अम्ल अंगूरों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग जो टार्टरिक अम्ल है इसका उपयोग दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरके और अन्य फलों के रसों से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये सिरके में पाया जाता है ऐसे एसिटिक अम्ल, और कई फलों में भी उनके रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है वो एसीटेट के रूप में यह रेयान तथा फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में भी प्रयोग होता है। सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में एसिटिक अम्ल फोटोग्राफिक फिल्म और रेयान के निर्माण में भी प्रयोग होता है। वहीं मैलिक अम्ल का निर्माण दोस्तों सभी जीवों द्वारा होता है। यह प्रमुखतः सेब में पाया जाता है। तो लगभग जितने जीव हैं वो मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं, इसके अलावा यह सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों यह जो खट्टे फल होते हैं साइट्रस उनमें पाया, जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इन सब में पाया जाता है। वहीं घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनसे संबंधित कथन है। दो बातें याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जहां पर मजबूत होगा, जहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रबल होगा, वहां पर बल रेखाएं पास पास होंगी, नज़दीक होंगी, और जहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कमज़ोर होगा बल रेखाएँ दूर दूर होंगी। तो पहली बात तो ये, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, बिल्कुल नहीं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, समांतर होती हैं। तो दोनों ही गलत है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? देखिए श्यानता क्या होता है दोस्तों, श्यानता कोई द्रव है तो उसमें कई लेयर्स होती हैं, तो इस लेयर में जब गति होगी तो ये लेयर उसका विरोध करता है, ठीक है। तो सापेक्षिक विरोध जो होता है उसी को श्यानता कहते हैं, यह गुण होता है द्रवों का। तो श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की श्यानता जो है सबसे अधिक होती है, जो चार ऑप्शन दिए हैं। श्यानता द्रवों के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है, कितना गाढ़ा है वह द्रव। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। ग्लिसरीन पानी से अधिक गाढ़ा होता है इसलिए ग्लिसरीन की श्यानता सर्वाधिक होगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो एकमात्र पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण को, लैंगिक विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य आदि को यह नियंत्रित करती है, तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, नियंत्रित करती है। वहीं थायराइड जो ग्लैंड होती है ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है दोस्तों मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्य यह करती है, जैसे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, तनाव पर प्रतिक्रिया देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि के लिए एड्रीनल ग्रंथि उत्तरदायी होती है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। जो एड्रीनल हार्मोन्स होते हैं उनको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो पूछा है कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर क्या होता है। प्राथमिक प्रदूषक जो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, ये सभी क्या आते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लेकिन पीएन, स्मॉग, ओजोन, ये सभी क्या हैं, ये या तो प्राथमिक प्रदूषकों के माध्यम से इनका निर्माण होता है, या कई प्रकार के जो कण हैं या जो गैस हैं मिल करके इनका निर्माण, द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक है, बाकी दो ये तीनों जो हैं द्वितीयक प्रदूषक हैं। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है किसमें? ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न है। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किसमें किया जाता है, यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों स्वयं पारिस्थितिकी में। किसमें? स्वयं पारिस्थितिकी में जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।
समुदाय पारिस्थितिकी में यदि देखा जाए तो उसमें एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जितने भी पादप और जंतु समुदाय हैं उनके व्यवहार, उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं आबादी पारिस्थितिकी में दोस्तों किसी स्थान पर एक ही जाति के विशेष के पादप, विशेष पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा, अर्थात एक ही जाति के जो हैं उनके द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके संबंधों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीनों में अंतर समझ लीजिएगा एक बार फिर से रिवाइंड करके। तो इसका उत्तर दोस्तों स्वयं पारिस्थितिकी होगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? जो धान का पौधा है, अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है, तो धान का जो पौधा है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा इसे अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।